देखिए मेरे बेटों के लिए अगर कोई बहन हो तो स्पेशल राखी इसके लिए भेजिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सच में तुलसीदास हमारे देखे आज त्योहार को भी इनका गई आप लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं कि कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा ऐसा नहीं है फ्रेंड जो कुछ है, लेकिन ये अपनी एक कहते हैं ना कि इंसान उस तरीके से पहचाना जाता है, हमारे तुलसीदास ने अपने इस तरह से पहचान बना ली है। जय श्री राधे राधे, आप सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसकी बहन भाई है सदा सलामत उनकी जोड़ी बहनी है। फ्रेंड आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा ये त्योहार है कि चाहे कहीं भी रहे लेकिन इस त्योहार पे भाई की बहन की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। लेकिन एक हमारी फैमिली ऐसी है कि फ्रेंड ना तो मेरे बच्चों की बहन है, आप देख ही रहे हैं कि हमने गणेश जी को अपना भाई माना है, नियत आज राखी बांधी है। इस रिश्ते से हम भी वैसे ही आज हमारे तुलसीदास है, उनके पास बहन नहीं है ना, आज हमारी फैमिली में ये त्योहार का कोई मायने ही नहीं रह गया कि हम इस त्योहार को किस तरह से मनाए। ना तो खुश हो सकते हैं, अगर हमारे ना हो तब चलो तो हमारे बच्चों के लिए ये त्योहार हम हंसी खुशी मनाते फ्रेंड, या तो हमारे तुलसीदास के लिए मनाते, किसी के बिना हमारे फैमिली के लिए त्योहार का कोई वही नहीं रह गया। इसीलिए आप लोग आज इस रिश्ते को, इस धागे का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बाकी समय पे एक दूसरे के प्रति नहीं पता चलता है फ्रेंड, लेकिन आज ये ऐसा दिन है ना कि वो कमी बहुत खल जाती है। तो आप लोग जहाँ भी होता आज जरूर, किसी भी हाल में हो, कहीं भी होता, जब हमारी बहनें देखे तो अपने भाइयों से मिलने का कष्ट करें, चाहे कितनी आपके मुसीबत हो, ये धागा बहुत मायने रखता है। आज अपने भाइयों को जाकर आप लोग राखी बांधिए और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बहनों को उपहार देने के लिए आप लोग प्लीज पीछे मत हटिए कि हमारे पास उपहार नहीं है, उनके देने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट नहीं है, या हम उनके परिवार में हमें जाकर कोई कुछ भी कहेगा, क्योंकि आज हर एक बहन इंतजार करेगी अपने भाई का, क्योंकि उसके लिए उसकी राखी इंतजार करती है। भाई की कलाई मिल जाए बहुत बड़ा तोहफा है, तो ये तो सब अपने लेने देने के हिसाब से होता है, गिफ्ट तो आज जीवन का है, कभी भी इंसान देता लेता है फिर, लेकिन इस बंधन को निभाना बहुत बड़ा होता है। बस एक छोटी सी थी आज अपने मन की बात आप लोगों से शेयर की, कोई खास अभी हम लोगों ने त्योहार बनाया नहीं है फ्रेंड, मैंने आज भगवान के पूजा से और भगवान को राखी बांध कर आप लोगों ने देखा है कि मैंने शुरुआत की है, ना तो कुछ अच्छा लगता है ना तो कुछ खराब लगता है, बस मन में दो दुविधाएं चलते रहती है, यही है। और हमारे बच्चों को फिलहाल मैंने जब से देखा कि मैं भगवान ने उन्हें भी बहन नहीं दिया 5-6 साल से, तब से मैं अपने बच्चों को ही राखी बांधती हूँ। चलो वो मन की थोड़ी तसल्ली के लिए, जो जहाँ रिश्ता है वही शोभा देता है, माँ होकर बहन बन गई, भगवान की देन है शायद हम दोनों की कमी पूरी हो गई। मैं तो अपने बच्चों को बांध लेती हूँ, लेकिन सबसे खराब यहाँ पर यही लगता है फ्रेंड कि हमारे तुलसीदास की कलाई सुनी रह जाती है। हम एक औरत होकर अपना दुख बता दिए रोकर, लेकिन वो अपने मन की बात किससे कहे, हम समझ सकते। तो बस आप लोग हमारे फ्रेंड, हम बांधने जा रहे हैं राखी अपने बेटों को, क्योंकि इनको बहन नहीं और हमारे पास भाई नहीं, तो आज हम माँ से इनकी बहन बन गए। तो देखिए आप लोग भी बन जाइए इनकी दीदी। हाँ
हाँ तो दोस्तों ये देखिए हमारे बच्चों की बहन नहीं है लेकिन की मम्मी राखी बांध रही हैं। पहले बड़े भाई को हाँ पहले राज हाँ चलो चलो इनको बांध दो। देखिए जो छोटे छोटे थे बच्चे मैंने बचपन से छोटे छोटे थे ना तब से ही बांध रही हैं। बस ज़्यादा चुभ जाएगा। हमारे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। मैंने मेरे बेटे भी हैं और मेरे भाई भी। एक मेरा बड़ा बेटा भी है फ्रेंड। जब मैंने आप लोग बता रहा तीन है लेकिन आज वो बाहर है इसलिए आज मेरे दो ही बेटे हैं। उसकी जो कमी है और उसकी राखी उसका इंतजार कर रही है। गर्मी तो लग रही है। ये लो किसको ये मिठाई चाहिए किसको मिठाई भी पहले पूरा ही बार में वाह रे इतना गिफ्ट कहाँ गिफ्ट हो खवावा रे मम्मी को भाई खवाती हैं बहन को अपने हाँ खवावा बस पढ़ लिख कर लायक बन जाए यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है मेरे इसके चोट लग गई है पैर में। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये देखिए मेरे बेटों के लिए अगर कोई बहन हो तो स्पेशल राखी इसके लिए भेजिएगा। कहाँ देख रहा है लेवा बेटा।